गाइस हमारी लस्सी हो चुकी है रेडी। ये देखो तो गाइस माशाल्लाह आज नगमा का कुरान शरीफ पूरा हो गया। फालतू का सामान भर लिया, ये भी ले लिया। चिप्स आए नहीं है तो चुरा लो, कहते हैं फिर बना देंगे और फिर पुलिस स्टेशन में चिपका देंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस कहते हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और आज की मॉर्निंग को जिस तरीके से है, आज हमने लगा रखा है सुबह सुबह करिश्मा को काम पर, मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। ये देखिए काम करते हुए कैसी लग रही है कमा। ये देखिए हमने दो गिलास में, दो कपों में दूध रख रखा है और करिश्मा काट रही है जूस के लिए सामान। चलिए गाइस हम नाश्ते के बाद मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट के बाद, ठीक है। और मेरे लिए है ये जूस, बनाना नहीं, मेरे लिए जूस नहीं, बनाना शेक है गाइस, बनाना शेक। मैं बनाना शेक पीने जा रही हूँ और करिश्मा काट रही है सामान। सैंडविच पियेंगे जूस, नहीं सैंडविच पियेंगे दूध। मैं कंफ्यूज हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हम बना रही है लस्सी और क्या बोलना। गाइज हमारी लस्सी हो चुकी है रेडी, अब पूरे इस गर्म में। तो गाइज अब देख सकते हैं लस्सी हो चुकी है हमारी रेडी और चार ग्लास में लस्सी, एक सैंडविच की मेरी है और एक हमारी फ्रेंड आई हुई है। तो गाइज अब देखो चार ग्लास में, और नीचे रोबजा भी दिखेगा आपको थोड़ा थोड़ा। और कम मौके की खुश हो रही है, पर रोबजा वो ऊपर से डालते हैं, नीचे से कौन डालता है। ऊपर ही डाला था पर वो नीचे चला गया क्योंकि हमारी लस्सी में मलाई नहीं है ना, वो मलाई की ऊपर रहती, क्रीम होती है ना उसको ऊपर रहता है। अच्छा, हमने भी ऊपर से ही डाला है। अच्छा ओके ओके ठीक है। पीके बताओ दादा, पीके बताओ भाई। यहाँ सानवाज बैठा है। यहाँ दो गोल तो लो, चम्मच तो ला दो, एक चम्मच। हाँ मच्छी वाली दे दे भाभी ने, वाइट कर दे भाभी से, घोल तो लो, क्या फायदा, नीचे रोबजा रह जाएगा। हाँ ऐसी मजा आ गया। बताओ कैसा बना है, कैसा बना। समझती नहीं हूँ यार। अच्छा रहने देना। चलिए गाइज अभी हम लस्सी पीने के बाद, और फिलहाल मैं प्रेस कर रही हूँ, प्रेस करने के बाद आपसे मिलते हैं। नहीं खोलोगे क्या अपना, तो क्या फायदा लस्सी पीने का, क्या फायदा। रोबजा क्यों डाला है, रोबजा क्यों डाला नीचे डेकोरेशन में, एंड में निचोड़। चलो ठीक है एंड में पी लेना। चलिए गाइज मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइज हम हो चुके हैं रेडी पार्लर के लिए। तो आज मैंने पहना है सूट ये वाला, और मैं आप अब हम जा रहे हैं पार्लर रेडी होकर। ये क्या लग रहा है। तो गाइज हम जा रहे हैं पार्लर और हम रेडी हो चुके हैं, आपसे मिलेंगे पार्लर में, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे पार्लर में, बाय बाय टाटा। फाइनली गाइज हम आ चुके हैं पार्लर, और पार्लर आने के बाद मैं लगा रही हूँ आईज आँखों पे सुरमा, एक लगा लिया ना, लगा के दिखा दूँ। और ये देखो, ये देखो हमारे पार्लर में कितना बढ़िया रूल है, देखो कैसे आराम फरमाया जा रहा है। मैं आपको में लगा रही हूँ सुरमा, बाबू जी सुरमा उड़ जाएगा, लग तो गई है वैसे। और मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने, ठीक है। हेलो गाइस अब हम खा रहे हैं जलेबी। तो गाइज माशाल्लाह आज नगमा का कुरान शरीफ पूरा हो गया, तो इस खुशी में हम जलेबी खा रहे हैं, और जलेबी बहुत टेस्टी है। वाओ अभी खाओ, अभी खाओ गाइज। इसमें दो तीन जलेबी बची हैं, हम बहुत देर से खा रहे हैं। मैं बाद में आया और हमें तो ब्लॉग भी करना होता है, तो ये तो दिखा दूँ कैसी लग रही है जलेबी। मोटी है, कुछ ज़्यादा खाए पिए करती है। खाए पिए घर की है। तो चलिए गाइस हम जलेबी खा लेते हैं। और गाइस जैसे कि आप लोगों को पता, मेरा कलाम पाक पूरा हो गया, मैं सबको बता रही हूँ। जैसे आप लोगों को पता नहीं था पर मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिएगा, ठीक है। जैसे कमवा ने बताया था मेरा कलाम पाक पूरा हो गया, हम बहुत मोटी मोटी वाली जलेबी खा रहे हैं, ठीक है।
गाइस हम जा रहे हैं मॉल जलेबी खाने के बाद, ईद की थोड़ी से मॉल जा रहे हैं और मेट्रो मॉल जा रहे हैं, जहाँ से थोड़ा थोड़ा सामान लिया है हम जाके ईद के लिए, क्योंकि ये रमज़ान के ईद की वजह से फिर हमारा ना चल नहीं पाएगा। देख रही है मुझे गुर्ग की। हाँ शुन्नू आ रही हूँ। तो हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए मॉल, क्योंकि हम फिर हमें ईद का काम चलेगा तो हम जा नहीं पाएंगे, इसलिए मिलते हैं तुमसे मॉल पर। ठीक है, यहाँ मेट्रो मॉल और अंदर जाके ईद की शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा काम चलने वाला है इसलिए। तो गाइस हम आ चुके हैं और साथ में आई है नाजरीन जो सिद्दीकी। ओके, और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, वो भी ईद के लिए। ईद के लिए क्या करनी है, वैसे भी घर के लिए सामान ही लेकर आए हैं हम। इफ्तार का खत्म हो गया, बहुत रोज़े रखती हूँ मैं तो। तुम रखती हो? जींस पैंट पहन के घूम रही हो, रोजे पूरे चल रहे हैं। अच्छा, नमाज भी पढ़नी होती है? नमाज तो उस टाइम कुर्ता पहन पहन लो। अच्छा बस करो, अब आगे मना। हाँ मैं भी यही देख रही थी। गाइस देखो करिश्मा ने देखो कितना फालतू का सामान भर लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। इतने सारे क्या करोगे करिश्मा? ओ सुंदर रंग देंगे बाबू। क्या हो गया सुन्नू, तुम्हारे मोल नहीं आएंगे हम? क्या जी ले लो भी सारा। ये ज़रूर, ये हर बार में ये ज़रूर लेना है, ये ज़रूर लेना है हर बार में। एक और ले लो, क्रंची क्रंची था, ले लो। क्यों ले लो, ले लो पसंद इसको इतना है बस, खाने के सामान लेना है तो मतलब खाई। तुम बढ़िया चीज़ तो ली नहीं जा रही, बढ़िया फ्रूट्स वगैरह खा लो लेकर कुछ भी। खाती नहीं हूँ मैं, क्या मैं खाती हूँ? सामान देख रही थी और वो नाजरीन और करिश्मा दोनों भाग गए मुझे छोड़ गए कि मैं और एक्स्ट्रा सामान ना ले लूँ। देखिए वो जा रहे हैं, दिख गए ना आपको, देखिए वो जा रहे। बदतमीजी की याद होती है। गाइस अब मैं छुप गई हूँ और वो मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं दिखाती हूँ किधर गए दोनों, तो मुझे ही नहीं दिख रहे। तानी कहाँ गए गाइस, छुप गए लोग दोबारा, मुझे दिखाई नहीं दे रहे गाइस, पता नहीं वो किधर चले गए मैं ढूंढते ढूंढते। मुझे लग रहा है मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ या वो मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक तरफ इस साइड खड़ी हुई हूँ, लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए ना इस तरफ से दिखाई दे रही है ना इस तरफ से है, ये लोग किधर भी नहीं है। चलो मैं वो उन लोगों ने मुझे कॉल करके बुलाया कि बाहर बिलिंग हो रही है वहाँ पर आ जा, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। चावल खेल दिया और वहाँ पर बिल कर आ रहे हैं बाहर जाकर, देखो तो बहुत चलाक हो ना तुम, बहुत चलाक हो ना, मुझे वहाँ छोड़ कर आ गई तो। बहुत चलाक हो ना दोनों, तुम मुझे छोड़ कर आ गए ना वहाँ पे, मैं तुम लोगों को ढूंढ रही थी, कभी नहीं आ रही थी मैं, कब आ रही थी आए है कि तो छोड़ो ना, मैं वहाँ छुप गई थी, मुझे मुझे लगा तुम लोग मुझे ढूंढोगे, तुम लोगों ने ढूंढा है, मुझे लगा तुम लोग ढूंढोगे, मुझे ढूंढा तक नहीं, अल्लाह तो वैसे इतना सोच लिया क्या है, कुछ भी तो नहीं लिया। भाई हम गेट से आ चुके हैं बाहर और सामान भरा जा रहा है कार्टून के डब्बे में, गत्ते के डब्बे में, मतलब डब्बे में पैक हो रहा है, अब हम जाएंगे फिर लेकर घर। ठीक है, मेरा भी हो चुका है गाइस, थोड़ा थोड़ा दिन निकल रहा, थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी रात हो रही है। छोटा डब्बा कह रही थी क्या ये क्या
छोटा डब्बा, मुझे लगा इसमें आएगा नहीं। तो दिमाग वाले बनते हो ना तुम, मुझे छोड़कर आ गए। मैं वहाँ छुपी खड़ी थी, मैं तुम आओगी मुझे ढूंढने के लिए, कोई नहीं आया मुझे ढूंढने। मैं पागलों की तरफ वहाँ खड़ी रहती, मुझे लगा तुम मुझे ढूंढ रही हो। ढूंढा तुम नहीं देखी, तुम खुद आ जाओगे। अल्लाह तो मुझे मार रही थी, देखा ना आज तुम्हें क्या, मैं कैच हो गया। मैं बैठ के कर रही हूँ इंतज़ार। करिश्मा और नाजरीन गई हैं अपनी अपनी स्कूटी लेने के लिए, और हमारे पास हमारा सामान ये रखा, और मैं यहाँ बैठी हूँ। आसपास कोई नहीं है, गुमनाम है कोई, अनजान है कोई, और मुझे आगे गाना नहीं आता। गाइज हमारा डब्बा रखा हुआ ये है, और हम आ चुके हैं मॉल से, और इस लड़की को नल्ली को हमने काम करने के लिए दिया, एमसिल को लपेटने के लिए। ये देखिए कैसे कैसे लपेट रही है, देखा ना देखा। और हम मार्केट में से, अभी हम मार्केट से भी आए हैं, हम मार्केट से आए, नहीं है तो चुरा लो। क्या ये हो चुकी है, ये नहीं है तो चुरा लो, वरना मोर बना देंगे। हाथ लग गए तो, हाथ आ गए तो फरवरी बना, फरवरी नहीं तो पपीता बना देंगे, एमसील बना देंगे। एमसील 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 है, हाथ में जो है उस पर डायलॉग मारने हैं भाई। हाथ आ गए तो एमसील बना देंगे, और सेम पोजीशन में चिपका देंगे। तेरा डायलॉग अच्छा लगा मुझे, हाथ आ गए तो एमसील बना देंगे, सेम पोजीशन में चिपका देंगे। बस तो गाइस हम मार्केट से क्या लेकर आए, मैं आपको मार्केट से दिखाना चाहता हूँ। मॉल से जो लेकर आए, शॉपिंग तो करते ही खाने पीने की चीजें, और क्या लेकर आए हम, ये देखिए गाइस, ये हमारे कलाम पाक का जिरेदान, तो ये वाला एक लेकर आई हूँ। और माशाल्लाह से दो कलाम पाक है मेरे पास, एक दो कलाम पाक है, तो हम दो लेकर आए, एक ये है। ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा है, इसकी तंदुरुस्ती लग रही है, तंदुरुस्ती बहुत माशाल्लाह तो बहुत बढ़िया है, इसकी तंदुरुस्ती थोड़ी सी कम लग रही है, पर ये देखने में अच्छा लग रहा था, तो मैंने दो दो लेकर आई, दो कलाम पाके दोनों पे लगी गई। ठीक है गाइस, लो चलिए गाइस, हम जा रहे हैं पार्लर से घर। ठीक है, तो घर जाके हम आपसे मिलते हैं। चलिए जब तक के लिए आप लोग मेरी वीडियो पीछे बैक करके पीछे करके वीडियो देखते रहिए। ठीक है, किसी और की वीडियो मत देखिएगा, कल मेरी देखते रहिए जब तक वो घर नहीं पहुँचती हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं पार्लर से घर, और काफ़ी देर भी हो गई मैं तो, हम आ चुके हैं, और कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए, अब सोने की तैयारी है, खाना वगैरह भी हो गया है हमारा। ठीक है, और मैं जो हम सामान लेकर आए थे, वो सामान मैं दिखा देना चाहती हूँ आप लोगों को। ये सारा सामान हम लेकर आए थे मॉल में से, आप देख सकते हो खाने पीने की चीज़ें ही हैं गाइस, इसमें तो काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें हैं। और सानवर भी सो रहा है, और गाइस सानवर भी सो गया, और करिश्मा भी सोने की तैयारी कर रही हैं, ये गुजिया खा रही हैं, इधर से उधर ढूंढ डाल के। कहाँ मिली तुम्हें गुजिया? फ्रिज में गुजिया किसने रख दी? मट्ठी भी रखी हुई है फ्रिज के अंदर, सील गई होगी वो तो, खोल भी बेवकूफ है इसने कैसे काम करता है ये सान में, तो अकेली हुई फ्रिज में तूने मट्ठी रख दी है? तूने क्या बोला था? अम्मी जब गई थी, जब मैंने खाई थी निकाल कर गुजिया और मट्ठी, गुजिया रखी थी, तो मारूंगी तो। फ्रिज के अंदर मट्ठी और गुजिया रख दी गई, मट्ठी सारी सिल गई। चलिए गए, छोड़े कोई बात नहीं, अब आज का ब्लॉग हम यहीं स्टॉप करते हैं गाइस, और क्योंकि बहुत रात भी हो चुकी है, कम समथिंग एक बज रहा है। जल्दी बोला तो
तो गाइस बहुत रात हो चुकी है, तो चलिए अब हम सोने की तैयारी करते हैं। सारमत तो लेट ही गया है, कम और में बचे, हम भी जा रहे हैं सोने के लिए। आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए बाय, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कोशिश करेंगे इससे भी अच्छे ब्लॉग बनाएं आप लोगों के लिए। ठीक है गाइस, जब तक आप लोग बाय, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।